ये आज हम ये दाल के को बॉयल कर रहे हैं। आज हमारा डिश होगा गांव के स्टाइल में दाल तड़का और फ्राइड राइस। फ्राइड राइस के लिए हम ये प्रिपेयर करे हैं गाजर और बीट और ये सोया बड़ी, सोया चूंक रेडी किए हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि हम हमारे गांव के स्टाइल में कैसे फ्राइड राइस करते हैं और दाल तड़का लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम इस गाजर को कद्दूकस कर लेते हैं इसके सहारे। अभी हम ये बीट को बारीकी से कद्दूकस करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे इसके सहारे। ठीक है दोस्तों, अभी हम ये सोया बड़ी सोया चूंक को छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा दाल तो हो गया है, अभी तड़का लगाएंगे। अभी कढ़ाई गर्म हो चुका है, अभी थोड़ा तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अभी हम जीरा डालेंगे। जाए के बाद ये करी पत्ता डालेंगे और उसके बाद ये सूखे मिर्च डालेंगे। अभी हम ये दाल डालेंगे। अभी हमारा दाल का ठीक है दोस्तों, आज हम देसी तरीके से देसी चावल का फ्राइड राइस बनाएंगे हमारे गांव के स्टाइल में। वीडियो में बने रहें, हम कैसे प्रोसेस में बनाते हैं हमारे गाँव के स्टाइल में। ये मैंने फर्स्ट टाइम फ्राइड राइस हमारे घर में बना रहा हूँ। हम तो कभी हमारे गांव के लोग फ्राइड राइस खाते नहीं हैं, तो आज हम ट्राई करके देखते हैं कि घर में बना हुआ फ्राइड राइस कैसा लगता है। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए। अभी ये कढ़ाई गर्म हो चुका है, अभी हम तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अभी हम ये प्याज डालेंगे।
अभी हम इसमें थोड़ा जीरा डालेंगे, अभी हम इसमें ये करी पत्ता डालेंगे, अभी हम इसमें हम ये सोया बड़ी देंगे, और इसमें टमाटर ऐड करेंगे, और अभी ये हम गाजर देंगे, और इसके बाद ये बीट भी हम डालेंगे। स्वाद के हिसाब से हम नमक देंगे, ये बॉयल किया हुआ चावल देंगे, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है दोस्तों, आज हमारे घर में ये देसी तरीके से बनाया हुआ फ्राइड राइस और ये दाल तड़का हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज हम वही खाना खाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, और कमेंट करने से हमारे मनोबल बढ़ता है, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच करें। ठीक है दोस्तों, हम खाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।